तालाब अड़ गया मेरा एक अब ठीक और है और अनुलोम विलोम टाइप कुछ है क्या ये ये टू फिंगर्स क्लोज क्लोज कर ली ये क्लोज किया और ये इधर लेट्स साथ में फिर ये बंद कर ली ये दो बोर्ड से फिर इससे छोड़ ऐसा करो ये कह रही है ये बात है हाँ इसमें भ्रामरी वगैरह और भ्रामरी करना हाँ भ्रामरी भी कान बंद करके कान बंद करके ऐसे आँख पे आँखें एंड नोज पहले सांस लेने के बाद राइट सांस लेने के उसको या हाँ ये करके करो कंटिन्यू कर रहे हैं ना अकेले राइट ये चले ही ना जाए अच्छा आगे बोली आगे चलो काफी है और इसको रिस्क मत लीजिए घर पे अकेले ट्राई करने का टाइम का सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू मुझे बहुत अच्छा अभी कॉल ट्राई करते हैं पहले सबसे पहले चलें एक मिनट अरे यार फ्रेम में नहीं आ रहा घूम कर थोड़ा पीछे आ जाओ ना पीछे आ जाओ हेलो हेलो हां कलमन पीछे जा सागर पीछे आने मेरे चले चलिए ये बताइए कि जो है किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और कितना पसीना बहाया आपने मेरे तो अभी तक आ रहे हैं आप देखिए थोड़े थोड़े निकल रहे हैं मेन एक्चुअली अभी गर्मी है तो इस वजह से दिन के टाइम में थोड़ा टेम्परेचर आई है लेकिन आप लोगों में बिल्कुल नहीं आ रहा बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया थैंक यू सो मच बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिली एंड थैंक्स टू अद्विक अद्विक का जो मेन स्टंट था वो सब पे भारी पड़ गया अद्विक थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलके और हमने सुना है कि बहुत नेशनल और नेशनल क्या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन लड़े हैं आपने और अब पूरी दुनिया आपको चैनल पे देख रही है कलर्स पे एंड हम बहुत खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि आज आप हमारे बीच में आए हैं थोड़ा बहुत हमें सिखाने की कोशिश की है अगर कोई गलती भूल चुक होगी हो तो उसके लिए माफी नहीं नहीं बहुत अच्छा बहुत किया लगता है लोग सीख सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं थोड़ा कर सकते हैं उनमें हुनर है कर सकते हैं तो आज की एग्जाम और तो अगली बार आप रेडी हैं इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने के लिए अपना हुनर दिखाने के लिए बस ठीक हो गया हमारा वैसे आज एक दोस्ताना फैक्ट भी देखा या हमारे एक्चुअली मुझे ऐसा लगा जो इजी पार्ट है वो मैं कर लेता हूं टांग खोलने का और नीचे लेट के हाथ जो था पोजीशन थी मैं उसकी बात कर रहा हूं हम पूरा नंबर देने वाले हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की और फेल हो चॉकलेट दिया कोशिश की और फेल हो गया कोशिश की अच्छा किया बहुत अच्छा कोशिश के लिए 10 आउट ऑफ 10 और बाकी एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए कितने 0 आउट ऑफ 10 नहीं नहीं जो करता है उसको ही आता है अच्छा क्या लगा आपको कि क्या ऐसी चीज थी जो ये ऑनेस्टली आंसर है हमारे तो बहुत हार्ड मोमेंट रहते हैं लेकिन वो बचपन से फ्लेक्सिबिलिटी एवरीडे करना पड़ता है इनके फ्लेक्सिबिलिटी वैसे इतनी नहीं बहुत ज्यादा कुछ करने पाए सर एक्चुअली ये बहुत बड़ा फैक्टर है बिकॉज जब आप जिम में जाते हो ऑन अ डेली बेसिस तो क्या होता है कि उसमें जिम में मसल पंपिंग के चक्कर में फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आप इतना ज़्यादा बेंडिंग वगैरह आपकी मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं आप कार्डियो भी करते हो तो रनिंग वगैरह करते हो तो उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती बट शायद वो चली जाती है लेकिन आई एम श्योर ये योगा जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने किया एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए फिर वही आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी थोड़ी प्रैक्टिस ही बता जाएगा एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया इन्होंने कि फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है कारण ये है कि हमारे इंडिया में एक है कि एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स का या फिजिकल एक्टिविटीज़ का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस समझा नहीं जाता तो आई डोंट रिमेम्बर कि कब हमें मोटिवेट किया गया हो जाओ बेटा स्पोर्ट्स की क्लास है पीटी की क्लास है या जो भी उल्टा कहा जाता था कि भैया क्लास में बैठो पढ़ाई में ज़्यादा जोर लगाओ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेट्रोज में आजकल हो रहा है देयर लॉट ऑफ स्पोर्ट्स दैट चिल्ड्रन आर प्लेइंग राइट नाउ बट छोटे शहरों में अभी भी वही हाल है तो अगर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में डालने के लिए तो ही 10 साल बाद जाके आप रिजल्ट देख पाओगे
अच्छा एक और चीज़ है, आजकल ज़्यादातर हम देखते हैं इंडस्ट्री में भी, चाहे टेलीविजन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, उसमें वर्कआउट जिम में जाकर जो एक्टर हैं या एक्ट्रेस है ज़्यादा पसीना बहाते हैं, और ये जो योगा का जो एक चलन है बहुत प्राचीन समय से है और आज भी है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत कम होता जा रहा है, उसको आगे लाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत बड़ी ज़रूरत है, और आपने बिल्कुल सही बोला। आजकल एक जिन लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि भैया जिम में जाके ही बॉडी बनेगी या फिर, तो फिर उस हिसाब से अक्षय कुमार जी को तो घर ही बैठना चाहिए था, एंड ही इज़ द फिटेस्ट गाय। तो ऐसा नहीं है कि जिम जाके सब कुछ होता है, देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। आई मीन मैं मार्शल आर्ट्स करता आया हूँ, मेरे को 6-7 साल हो गए, तो आई थिंक मार्शल आर्ट्स करो, स्विमिंग करो, गेम खेलो, सब चीज़ों को मिक्स करना चाहिए, और आजकल ट्रेंड ही वो चल रहा है। तो जिम एक पुराना कॉन्सेप्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, मेट्रोज में तो हो रहा है, तो जो हम देख भी रहे हैं आजकल, एक्टर्स हुए हैं, सेलिब्रिटीज हुए, सब फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू, प्लेजर, थैंक यू।